सर आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं आपका पब्लिक स्पीकर फ्रेंड झांसी और बुंदेलखंड से संकेत कंचन आपका मेरे चर्चा एक खास झांसी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने ये शो इसलिए किया कि 2022 अब जाने को है, हार्डली 24 48 घंटे के बीच का समय रह गया है, और दूसरी बात कि 2023 आने को है। लेकिन 2022 में ऐसा क्या क्या होने जा रहा है, या 2022 में ऐसा क्या क्या हुआ जिस पे हमें एक नज़र मार लेनी चाहिए, उसी के लिए मैं ये शो कर रहा हूँ। ताकि रहा है, और इसके लिए मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो मेरे दोस्त और मेरे कलीग हैं, मयंक पहुजा, और हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि झांसी और आपके बुंदेलखंड में और आपके देश में क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं पूरे 2022 में, जिसके लिए हमें गर्व है 2022 के ऊपर, और हम उसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। हाय मयंक, हाउ आर यू? भाई सर, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हूँ। हमने अपने सारे सुनने वालों को यही बताया कि झांसी बाजार आपको पूरी एक झलक दिखाने वाला है जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 की। और हम बात करेंगे झांसी को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के, भारत को लेकर के, क्योंकि हमारे झांसी वासियों को सब मालूम होना चाहिए कि पुराना पूरा साल में हमने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ। तो शुरू करें बिल्कुल सर, तो शुरुआत यार करते देखो। हैं हाँ बोलिए बोलिए। शुरुआत करते हैं जिन कलाकारों को हमने खोया है। जनवरी में बिरजू महाराज, ओके। राजू श्रीवास्तव फरवरी में, ओके। अनफॉर्चुनेट। और आपकी लता मंगेशकर। करेक्ट। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत तो है एक बात जो आपने बोली, और कोई भी है? और बहुत सारी चीजें, पहले आप अच्छा, बोलिए। तो हमें भी अपना झांसी के बारे में आपसे बात करने दीजिए। आपने पूरे देश के बारे में बात बताई है, तो हम झांसी की भी आपको बताते हैं। तो थोड़ी हमारी भी स्टार्ट ऐसे ही, हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि अच्छी नहीं है थोड़ी। झांसी के नाम के ऊपर, स्टेशन के नाम पर एक बवाल हुआ था, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग हुआ था झांसी के ऊपर, जब झांसी के स्टेशन का नाम बोल दिया वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन होगा। झांसी वासियों ने समझा कि हमारा सिटी का नाम ही झांसी हटा करके वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया है, तो उस पे बड़ी आपत्ति दिखाई गई। बाद में लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये झांसी स्टेशन की बात हो रही है, झांसी का नाम नहीं चेंज हो रहा है। तब भी उनको आपत्ति आई, बिकॉज क्या था कि लोगों का झांसी सेंटिमेंट कहीं ना कहीं जुड़ा था वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ में। तो अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झांसी के जो रेलवे मिनिस्टर हैं, झांसी के रहो, देश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके पास ये जब मामला पहुंचा तो फिर से नाम में संशोधन किया गया और नाम कर दिया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन। तो मेरे ख्याल से आप सब खुश हैं, एक बड़ी अच्छी बात हो गई। और इससे ये भी होगा कि हमारा वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम बिना जब तक स्टेशन रहेगा, तब तक ये नाम हर फॉरेन टूरिस्ट के जुबान पर रहेगा, उनके दिमाग में रहेगा, और वो जानने को इच्छुक रहेंगे कि ये हीरोइन कौन थी, इनका क्यों इतना नाम लिया जाता है, इसके नाम पे स्टेशन है, इतना इनका क्या इंपॉर्टेंस है। और हम झांसी वासियों को हमेशा मौका मिलेगा अपने झांसी को मार्केट करने के लिए और उसकी गाथा बताने के लिए, जो शौर्य, जो वीरता जो लक्ष्मीबाई जी ने हमारे लिए रखी है, इस शहर के लिए रखी है, वो धरोहर हम अब बढ़ा सकेंगे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही सर। इस साल 5 राज्यों में चुनाव भी हुए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश हमारा, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी। करेक्ट है सर, बिल्कुल सही बात है। और क्या थंपिंग विक्ट्री आई है जहां से इस बार की उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से, बाय द वे, वेरी नाइस। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, झांसी की हिस्ट्री के बारे में इतनी बात होने लगी है अब कि झांसी के किले के अंदर जहां कुछ एक्टिविटी नहीं होती थी, वहां एक बढ़िया साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। ये शुरू हुआ बिल्कुल 3 3 मार्च, 3 तारीख, तीसरे महीने 2022 से। इसमें आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आपको इसमें करीबन 32 लाइट का वो लगा है, इसके अंदर 32 मिनट का शो होता है पूरा का पूरा। हाँ, 32 मिनट का शो होता है दोस्त, पेड शो है। और इसके साथ साथ आपका इसमें 21 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और क्या शानदार, आपने हमने जाके देखा था, कितना बढ़िया शो होता है कि मजा आ जाता है। जो कोई भी देखेगा, पूरी हिस्ट्री रानी लक्ष्मीबाई की देखने को उसको मिलती है। आई थिंक बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ पूरे किले के अराउंड फेकेड लाइटिंग्स लगी है, जो कि थीम बेस्ड लाइटिंग है। मयंक, हर त्योहार के हिसाब से उसकी लाइट का कलर चेंज होता है।
तो आपको गणतंत्र दिवस पे लाइट देखने को मिलेगी, 26 जनवरी को दूसरी, होली को तीसरी, दिवाली को चौथी, ऐसे लाइट देखने को मिलती है। तो बहुत शानदार दिखने लगा है हमारा किला, और हमें इस बात का फक्र है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, थोड़ा पैसा खर्च हुआ है इसमें नो डाउट 21 करोड़ का, बट इट इज वर्थ एवरी पेनी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दी स्मार्ट झांसी, यू नो स्मार्ट झांसी लिमिटेड। और आपको जान के खुशी होगी कि द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रीय है राष्ट्रपति है, जी 25 जुलाई 2022 को उनको चुना गया राष्ट्रपति। और ये करेक्ट, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि वापस से उनको एक लेडी राष्ट्रपति मिली। एब्सोल्युटली। और वो भी कहां से आई है वो, ये भी एक वाकई में तारीफ के काबिल बात है, इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है। बिल्कुल भैया झांसी की नगरी में अब हो गया है फूड जॉइंट्स की भरमार। देखिए आप ये समझे कि डोमिनोज दो जॉइंट्स हो गए, एक मेडिकल कॉलेज के सामने, एक आपका शिवपुरी रोड पे, लाइट शिवपुरी रोड पे। ऐसे ही पिज्जा हट के भी दो जॉइंट्स हो गए, एक मेडिकल साइड पे और यहाँ पर। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कई सारे ऐसी चीजें हुई हैं झांसी के अंदर खाने पीने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए, कि आपका KFC जो है, कैंटकी फ्राइड चिकन, अब झांसी में आ गया। तो बाहर का इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है काफी ज्यादा, बीकानेर वाला पहले ही थे यहाँ पे, बड़े बड़े जॉइंट्स पहले आ गए थे, लेकिन इस साल मॉलिक्यूल आया है करके एक दिल्ली की चेन है, वो भी झांसी में आ गई है, काफी जबरदस्त तरह से बढ़िया चल रहा है उनका भी हिसाब किताब। इसके साथ साथ आपको बता दूं मैं, चाय सुट्टा बार के दो आपके वो आउटलेट्स हो गए हैं झांसी के अंदर, एक बुंदेलखंड कॉलेज के सामने और एक आपका सदर में है, तो वो भी एक बात है। इसके साथ साथ झांसी में भी कमी नहीं रही, झांसी के लोगों ने बढ़ चढ़ के पैसा खर्च किया है, नवभात रेस्टोरेंट को रेनोवेट कराया गया है, जो पुराना ताज हुआ करता था झांसी झांसी का। इसके साथ साथ अमर दिगारा, अमर होटल एंड रेस्टो आया है, जो दिगारा फोर्ट पे नया बना है, वो भी बहुत अच्छा बना है। इसके साथ साथ चूल्हे वाला भी का बहुत अच्छा इंटीरियर्स है, और उनका भी बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट उन्होंने खोला है। तो आई थिंक झांसी वासियों के लिए खाने पीने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और ये 2022 जो गया उनके लिए बहुत बढ़िया है। सो अगेन और इस साल हर हर घर तिरंगा आजादी के यस 75वीं वर्षगांठ के ऊपर मनाया गया, जहां पे लोगों ने अपने घर के ऊपर फर्स्ट टाइम होगा पहली बार तिरंगा लगाया। काफी आई ज्यादा लव्ड एक्साइटमेंट इट, आई लव्ड इट, था उस टाइम पे, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत मजा आया था, सही और बात, होपफुली करेक्ट, एकदम आई एग्री सब लोगों ने कंप्लीटली। एंजॉय किया इस चीज को। बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सब लोगों ने एंजॉय किया। झांसी के गारमेंट और लाइफस्टाइल स्टोर में भी बड़ा गजब की हरकत हुई है 2022 में। कैसे कि आप ये देखिए, रिलायंस ट्रेंड्स दो खुल गए, मतलब रिलायंस इतना अच्छा रिस्पांस मिला है झांसी के लोगों ने दिया है, एक ग्वालियर रोड पर है और दूसरा आपका मेडिकल कॉलेज साइड में खुला है, तो रिलायंस ट्रेंड्स अब दो है। इसके साथ साथ आप देखें, ग्वालियर की बहुत बड़ी चेन है वॉर्ड्रॉप, झांसी में आई है, और सारे ब्रांडेड कपड़े जिनके लिए हम लोग बाहर जाया करते थे कभी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वार्डरोब में अवेलेबल है सबका सब। इसके साथ साथ आप देखो, स्केचेस का शोरूम अभी खुला है सदर में, और ये आपको यूनियन रेडियस के आगे मिलेगा। तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं आप देखिए आ गए, जूडियो अगर आप देखिए लाइट पर आया है, जो कि टाटा का रिटेल चेन है, और नहीं इससे हमारे फैशन कॉन्शियस जितने भी यूथ हैं उनको 2022 से मजा आएगा। आई एम श्योर ऐसा पैटर्न जारी रहेगा, और 2023 23 में हम कुछ और बड़े ब्रांड्स, बड़ी यू नो स्टोर्स को आते देखेंगे, बिकॉज यू नो दैट काफी बड़ा मॉल बन रहा है झांसी का, तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और 3 सितंबर को भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना ब्रिटेन को पछाड़ के, वाओ, दैट इज अ दो ग्रेट हजार अचीवमेंट, बाईस जो हमारे ऊपर राज करता था आज हम उसके ऊपर है ना, बिल्कुल करेक्ट। तो भैया अब एक और मजे की बात सुनो, झांसी ना कदम पे कदम बढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ना क्रांति आ गई है झांसी के अंदर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक बसेस जो कि 25 हैं झांसी के अंदर, चारों रूट्स पे चल रही हैं, यानी झांसी मेडिकल कॉलेज रूट, उसके बाद झांसी बबीना रूट और झांसी शिवपुरी रोड आगे तक, वहां तक जाती है रक्सा तक, और उसके साथ साथ एक रूट आपका ये जो है इस पे जो आपका खजुराहो के रूट पे ओरछा तक जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इलेक्ट्रिक बसेस का खर्चा कम है, किराया कम है, लोगों को पैसा ज्यादा नहीं पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ चार टूरिस्ट कैब्स भी हैं,
जिसको आप बुक कर सकते हो सीनियर सिटीजन या जो यू नो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए, पूरा पूरे शहर का हेरिटेज सिटी का चक्कर लगवाते हैं और आपको पूरे बढ़िया बढ़िया जगह स्पॉट्स जो है झांसी के वो दिखाते हैं। तो यार ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है। इसके साथ साथ झांसी ने इलेक्ट्रिक भी हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विसेज शुरू करी है, जिसमें एक बार टिकट खरीद लो आप उसके साथ आप कहीं पे भी जा सकते हो उस गाड़ी से, और पूरे दिन भर में आप कहीं उतर सकते हो। टूरिस्ट जगहों पर जाती है ये और ओरछा भी जाती है, और शाम को ये आकर के झांसी फोर्ट में खत्म होती है, जहां पे साउंड एंड लाइट शो के साथ टाइमिंग का इसका वो बना हुआ है एग्रीमेंट, ताकि लोगों को लाइट एंड साउंड शो का टिकट मिल सके आराम से, वो भी एंजॉय कर सके। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। ये सब 2022 की देन है। और 16 सितंबर का गौतम अदानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी बने 154 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। बहुत सही बात, बहुत सही बात। देखो भैया यही है, अब गौतम अडानी उस वक्त के वो हैं जो इतने जबरदस्त बड़े हो गए और इतने बड़े आदमी बन गए। दिन दूर नहीं है जब झांसी से भी ये शुरू हो जाएगा, बिकॉज 2022 में राइज झांसी ने इंक्यूबेशन सेंटर खोल दिया है। भाई साहब, राइज झांसी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई इंक्यूबेशन फॉर सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि नगर पालिका झांसी के अंतर्गत में खुल रहा है और झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड लेकर के आया है, जिसके सीईओ पुलकित गर्ग जी हैं जो कि हमारे नगर आयुक्त भी हैं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, इन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें करी हैं, बेकार को आकार देकर के इन्होंने सेल्फी पॉइंट्स भी खोले हैं झांसी के अंदर, कई सारे चौराहों पे आप झांसी सिटी के साथ आप वहां पे फोटो खिंचवा सकते हैं झांसी सिटी में उन जगहों पर। और अब जितने भी झांसी के युवा हैं वो अपने सोच को अपने आइडियाज को पंख दे सकते हैं, बिकॉज इंक्यूबेशन सेंटर जो आ गया है उनका राइज झांसी, वो उनकी मदद करेगा फंडिंग में, उनकी विचारधाराओं को विकसित करने में, डेवलप करने में, प्रोग्रेस करने में। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, 2022 की शुरुआत को मजबूती के साथ झांसी के युवा आगे लेके जाए, नए नए आइडियाज लेकर के आए और उनके साथ में कोलैबोरेट करें। आई थिंक वी हैव झांसी हैज अ वंडरफुल फ्यूचर स्टार्टिंग फ्रॉम 2023। 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने 5G लॉन्च किया इंडिया के अंदर, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। 130 करोड़ लोगों के लिए, करेक्ट, एकदम करेक्ट। मतलब यहाँ पे लोग यूज करते हैं मोबाइल डेटा यूज करते हैं, और 5G टेक्नोलॉजी आना इतने कम टाइम में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो भैया झांसी में भी बड़े बढ़िया काम हुआ है, आपने बताया टेक्नोलॉजी में, तस्वीर मैं आपको फार्मा बताता हूँ। फार्मा में झांसी के अंदर कमला हॉस्पिटल में पूरा का पूरा हार्ट डिपार्टमेंट आया, जहां पे अब आपका आपका जो इम्प्लांट वो होता है वो भी आप करवा सकते हैं, आपका कई सारे पेसमेकर्स लग सकते हैं, यानी ओपन हार्ट भी हो सकता है। तो काफी उन्होंने यू नो एक्सपैंड किया है, कैपेसिटी बिल्डअप किया है। बड़े अच्छे डॉक्टर डॉक्टर विवेक लांजे नागपुर से आते हैं वहां पे इलाज करने के लिए, और उनका वो जाने माने एक यू नो कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपका मैक्स केयर स्पर्श हॉस्पिटल अभी नया खुला है, वो भी साथ में आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से यू नो फार्मा में लाइफ स्टाइल पे और हेल्थ केयर पे भी काम चल रहा है। शार्प साइट और रतन ज्योति जैसे आई हॉस्पिटल्स, रतन ज्योति ग्वालियर की बहुत बड़ी चेन है, शार्प साइट इंडिया की बहुत बड़ी चेन है, और यहाँ इनके आ जाने से कैटरेक्ट ग्लूकोमा और लेसिक लेजर में लोगों को काफी आराम मिलेगा, इलाज सस्ता होगा और जल्दी हुआ करेगा। तो ये झांसी के लिए मुझे लगता है बड़ी अच्छी खबर है 2022 की, 2023 में इसमें प्रोग्रेस ही होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। और एलएसी के तनाव के बीच दुनिया की सब ताकत दिखाने के लिए डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, जो कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो था ये। वाओ, तो इंडिया इज गेटिंग ऑल द अटेंशन इट रिक्वायर्स, राइट, ग्रेट, करेक्ट। तो गुरुवर ऐसा है कि अपने स्पोर्ट्स में भी बहुत काम हुआ है झांसी के अंदर। जागरण ने बहुत अच्छा स्टेप लिया जब जागरण क्रिकेट लीग उन्होंने किया, और क्रिकेट लीग के चलते यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स तक आए, उनका खेल हमें देखने को मिला, बड़ी बड़ी टीम्स आई, अच्छी अच्छी टीम्स आई, जगह जगह से आई, मतलब मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, और इतना अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट करा रहे हैं जागरण, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू है उनको, जो इतना अच्छा यू नो टैलेंट लेकर के आ रहे हैं वो। इससे हमारे झांसी के जो खिलाड़ी हैं उन्हें एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनसे देख करके वो सीख पाएंगे, और उनका भी एक सपना होगा कि आगे जाकर इतना अच्छा खेलें कि वो भी बाहर जाएं झांसी की टीम को रिप्रेजेंट करें। इट्स अ गुड थिंग टू हैपन इन 2022। और सबसे बड़ी चीज सर, रशिया यूक्रेन वॉर, यस, इसने बहुत दबाई मचाई।
बहुत हवाई मचाई है, अननेसरी बहुत लंबी चल रही है, नाटो का सपोर्ट उनको मिल रहा है, रशिया अपने आप में कम नहीं है, बट यू सी दो लड़ाइयों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच में लड़ाई में, उन दोनों में किसी का भला नहीं हो रहा, जो भला हो रहा है वो तो हम जानते हैं, हमारे लिए गैस वगैरह पेट्रोल वगैरह कितना सस्ता हो गया तो दैट इज वेरी गुड, बट यही होता है एक लड़ाई में जहां आप सोचे समझे चले जाते हो और आपको उसका फिर खामियाजा देना पड़ता है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू हैव सच टाइप ऑफ थिंग्स यू नो फॉर दिस सेंचुरी। बट एनीवेज आई थिंक मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई जो मेरे पास थी, और अभी मैं यही बोल सकता हूँ आपसे कि बहुत एक शानदार साल निकला है, खासतौर से टीकाकरण को लेकर के देखा जाए, हमारा पूरे पैन इंडिया टीकाकरण बहुत अच्छा हुआ है, इफ यू नो द नंबर्स आई डोंट नो बट 85% 90% के बीच में तो झांसी में भी यू नो वैक्सीनेशन ड्राइव चली, विच इज वेरी गुड। और ये अब बात चूंकि कोविड, हाँ, और अब चूंकि कोविड बहुत तेजी से फिर से रंग दिखाना शुरू कर रहा है, तो मैं सब हम दोनों सब मेरे लोगों से जो हम लोगों को देख रहे हैं फॉलो करते हैं हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि भाई अपने परिवार का ध्यान रखिए, ये जो कोविड ओमिक्रॉन का BF7 वर्जन आया, वेरियंट आया है ना, BF7, ये इससे हम सबको अपने परिवार को बचाना है, अपने नेबर्स को बचाना है, अपने कम्युनिटी को बचाना है, अपनी झांसी को बचाना है। और अच्छी बात यह है गुरु कि जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने मॉक ड्रिल करी ये अभी आपके ट्यूसडे को यानी 26 तारीख को, और ये राइट प्रदेश भर में, कई प्रदेश भर में हुआ है। इसका सिर्फ एक ही औचित्य था कि हर हॉस्पिटल में जाके चेक करो कितने बेड्स रेडी हैं, ऑक्सीजन सप्लाईज पूरी तरह से हैं, इंक्यूबेटर जितना भी जो चाहिए होता है वो इंतजामात पूरी तरह से प्रॉपर है, सारी वैक्सीनेशंस वगैरह हैं, तो आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छी पहल दिखाई, और प्रधानमंत्री के कहने पे आह्वान देने पे तैयारी करने का इससे अच्छा कुछ तरीका नहीं हो सकता था कि आप पहले कुछ हो उससे पहले आप तैयार हो जाओ। इसके साथ में अपने झांसी वासियों को एक और खबर देना चाहूंगा, भारत बायोटेक ने इनको वैक करके नाक से डालने वाली दवाई बना ली है, राइट नेसल ड्रॉप्स, वो जनवरी के 4th वीक में सारे दवाखानों में और सारे हॉस्पिटल्स में आ जाएगी। इसके दाम भी तय कर दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके दाम भी तय कर दिए गए हैं, ₹325 सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलेगा ये दवा, और ₹800 में सारे निजी हॉस्पिटल से मिलेगी ये दवा। इस पे GST और लगेगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन आई थिंक जिन लोगों को इंजेक्शन से परेशानी है उनको फौरन जाकर के ये दवाई को इनहेल करके लेना है सिर्फ, आई थिंक अपने परिवार का ध्यान रखना हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हम दोनों आप सबसे यही विनती करेंगे कि कोविड से दूर रहना है, हम सबको झांसी को बचाना है, और किसी भी तरह जब हम झांसी को बचाएंगे ऑब्वियसली हम इंडिया को भी बचाएंगे। तो भैया मयंक बाबू क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं कोविड से बचने के लिए जरा बताइए बुलंद आवाज में। सबसे पहले तो मास्क लगाइए, हैंड करेक्ट है, वॉश करते रहे, और डिस्टेंस 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 दूरी बना के रखो दूरी भैया, बना डेढ़ के फुट रखें, की ज्यादा दूरी बना के रखो, भीड़ भाड़ वाले कोशिश इलाकों में ना करो। जाएं, और न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से करें। बिल्कुल सही बात, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड वी होप एंड वी प्रे दैट यू एंड योर फैमिलीज हैव अ वंडरफुल 2023, और हम यही कह सकते हैं बाकी अब डिनर का वक्त हो गया, खाना खाया जाए, है ना। बिल्कुल चाओ पीपल, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच मैंक फॉर ज्वाइनिंग मी इन और झांसी से बात करने के लिए, हम फिर दोबारा आते रहेंगे इनके सामने, सर, बिल्कुल सर, सी यू, चल बाय सर। बाय सर।